दोस्तों, बेहतरीन टेक वीडियोस और रिव्यू वीडियोस मिलने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियोस तुरंत पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये है पेबल स्टॉर्म। जी हाँ, ये गरजता है, बहुत ही जोर से गरजता है। तो पेबल का ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने। ये वीडियो आप जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, जनरली आप देखते हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर जो छोटा सा होता है, लेकिन ये इतना बड़ा है। ये बेसिकली आउटडोर स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, और इसका जो वजन है कुछ 400 या 500 ग्राम होगा। हैवी है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। प्लास्टिक का है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। पेबल स्टॉर्म है इसका नाम, और ये आवाज़ बड़ी ज़ोर से करता है। आवाज़ की क्वालिटी कैसी है ये पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी अच्छी है आवाज़ इसकी, लेकिन आवाज़ बड़ी ज़ोर से करता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स की तरफ। सुपर पावरफुल है, हमने तो देखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसका आवाज़ है। 10 वाट का पावर है, बहुत ही अच्छा बास क्लैरिटी और वॉल्यूम है इसमें। ब्लूटूथ 4 सपोर्ट करता है। बिल्ट इन बैटरी है जो 5 से 6 घंटे तक चलती है। FM रेडियो है, ताकि हमने इतना ढूंढा, हमें तो मिला नहीं, लेकिन FM रेडियो सपोर्ट करता है, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट है, ऑक्स सपोर्ट है, और USB का सपोर्ट है। दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। बॉक्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो ये स्ट्रैप आता है, मतलब आप कैरी कर सकते हैं, एक स्लिंग बैग के जैसे इसको आप कैरी कर सकते हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी केबल, जो आप स्मार्टफोन को लगा सकते हैं और सीधा स्पीकर में भी डाल सकते हैं, 3.5 दोनों भी तरफ। और यह है चार्जिंग केबल, USB 2 माइक्रो USB। दोस्तों, मैं वापस कह दूं, ये प्रिटी हैवी है, प्लास्टिक का लगता है, लेकिन अंदर से इसका बहुत ही सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, तो ये थोड़ा हैवी है, 400-500 ग्राम तो ज़रूर होगा। लेफ्ट की तरफ मेन स्पीकर है, और इस तरफ भी स्पीकर है, लेकिन कंट्रोल्स हैं इधर, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑन ऑफ। उसके बाद में माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट, वॉल्यूम, जी हाँ वॉल्यूम है इसमें, USB माइक्रो USB चार्जिंग के लिए, एंड 3.5 mm ऑक्स। दोस्तों, हमने कोशिश की ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने को, और इमीडिएटली कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इसका जो वॉल्यूम है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही जोर से होता है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा है इसका, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका ट्रेबल और बास बहुत ही एक्सेप्शनल है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक आउटडोर स्पीकर है, अगर आप पार्टी में आप बाहर जा रहे हैं, आपका फैमिली का पिकनिक के लिए जा रहे हैं, उधर ये चार्ज करके लेके जाइए, 4-5 घंटे तक आराम से आपको सबको सुनाई देगा, आप डांस भी कर सकेंगे इसके ऊपर, ऐसा ये एक स्पीकर है। तो ये जो पैकेज है, इसका प्राइस क्या है, क्या लगता है आपको? 1850 इसका प्राइस है, और प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। जी हाँ, मैं क्लियरली बोल दूँ आपको, इसका जो साउंड क्वालिटी है इतना अच्छा नहीं होगा, लाउडनेस बहुत अच्छा है, एंड वैसे नॉर्मल ईयर्स को वो बाहर जब आप सुनेंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं महसूस होगा कि क्वालिटी अच्छी है नहीं है, क्योंकि सिर्फ लाउड होना चाहिए, एम्बियंट नॉइस बहुत होता है, तो उसके जो फाइन ऑडियो क्वालिटीज होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन लाउडनेस ज़रूर सुनाई देता है। तो इफ़ यू वांट लाउड स्पीकर्स, बड़े गरजने वाले स्पीकर्स चाहिए, पोर्टेबल स्पीकर्स चाहिए, तो आप पेबल स्टॉर्म की तरफ देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक दिया हुआ है, अगर आप ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर्स खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर उस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, ये था गरजने वाला पेबल स्टॉर्म। अगर आपको कुछ भी सवाल है इस ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगले वक्त तक के लिए, They love all the business, make part of that, yeah, God.